क्यों आए? वो क्या है ना, कल सजनी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और माँ चाहती थी कि कल उस वक्त आप भी वहां हो। छूटा ही सही, लेकिन मेरा और आपका रिश्ता तो है। आज के बाद मैं आपकी तरफ कभी नजरें उठा के नहीं देखूंगा जी। तू? जी अम्मा जी। क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, वो कपड़े चमका रही थी, पहले से लड़के वाले जो देखने आ रहे हैं। पड़ गया पूरा, अब लड़के वालों को तू पुरानी कप प्लेटों में चाय पिलाएगी? दिमाग नहीं काम कर रहा तेरा? जा अंदर से नए कप प्लेट निकाल, और सुन नए चम्मच भी निकाल लेना। जा। जी अम्मा जी। ओ तू यहाँ निठल्ली क्यों घूम रही है? वो मैं गाना याद कर रही थी, कल अगर उन्होंने गाना गाने कह दिया तो कोई अच्छा सा भजन गा दियो। भजन? और नहीं तो क्या, डिस्को? खबरदार जो तूने उन लोगों के सामने कोई फिल्मी गाना गाया तो, और सुन उनके सामने अपनी चबड़ चबड़ बंद रखना, समझी? कुछ भी सवाल पूछे तो शर्मा के मुस्कुरा के हाँ या ना में जवाब देना, समझ गई ना? रितु। अरे ओ रितु। आई अम्मा जी। जी अम्मा जी। इसको अपना शादी वाला हार दे दे, इसके कपड़ों के साथ बहुत अच्छा लगेगा। मेरा हार? अम्मा जी मुझे नहीं लगता कि मेरा हार रजनी के कपड़ों के साथ जचेगा। तो अब? अरे आइडिया, अरे प्रीति भाभी को तो हम भूल ही गए अम्मा जी, अब उनके गहने भी तो हैं इस घर में। पर प्रीति भाभी तो अपने पीहर गई भी है। प्रीति भाभी पीहर गई है, अपने जेवर लेके थोड़ी गई है, वो तो यही होगा, याद है वो स्लेटी रंग का बैग। पर भाभी वो तो? चुप कर, सूर्य कमल को आने दे, मैं उससे बात करती हूँ। अच्छा जी अब मैं चलता हूँ, घर पे माँ इंतजार कर रही होंगी, तो मुझे इजाजत दीजिए। आप राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। माँ राधे राधे। जीते रहो। बेटा इन्हें घर तक छोड़ा। जी मैं गाड़ी निकालता हूँ। नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतनी दूर आप खामखा क्यों आएंगे, मैं चला जाऊंगा जी। दरवाजे तक छोड़ गया जी। अब माँ रहने दीजिए ना, मैं चला जाऊंगा। आइए माँ जी। प्रीति जरा यहाँ आ तो। प्रीति मुझे एक बात बता, सच सच, तुम्हारे और सूर्य कमल जी के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? क्यों, क्या हुआ चाची जी? अरे यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मुझे सूर्य कमल जी थोड़े से परेशान लगे, कुछ हुआ है क्या? परेशान नहीं तो। पक्का? हाँ चाची जी पक्का। अब वो परेशान नहीं है, एक्चुअली वो बस थोड़े से थके हुए हैं। वो मैंने आपसे कहा था ना, आजकल ऑफिस में काम ज्यादा है, शायद इसलिए। बेचारे सूर्य कमल जी, एक तो काम इतना ज्यादा और रोज रोज बस के धक्के खाना। मैं तो कहती हूँ प्रीति एक स्कूटर ले ही दे तू उनके लिए। अब भला ये कोई अच्छा लगता है क्या कि एक दामाद इंपोर्टेड गाड़ी में घूमे और दूसरे के पास स्कूटर भी नहीं? अब ऋषि बेटे की तरह कार ना सही, लेकिन स्कूटर खरीदने की तो हैसियत है ना हमारे सूर्य कमल जी की। चाची जी बात हैसियत की नहीं है, जहां तक मैं समझ पाई हूँ सूर्य कमल जी को पैदल चलना पसंद है,
बस में सफर करने में भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि सूर्य कमल जी का तो ये कहना है कि ऐसा करने से उनकी ऑटोमेटिकली कसरत होती है ना प्रीति? क्या करूं? प्रीति माँ, आप यहाँ क्यों आई? मुझे बुला लिया होता ना? फिर मैं ये सब कैसे देखती? ओहो प्रीति, तेरे भैया भाभी ने तो तेरे इस कमरे को फिर से पहले जैसा सजाया है। नहीं माँ, पहले से भी अच्छा। हाँ जरा देखूँ तो कौन कौन से सितारे हैं तेरे इस कमरे में। ओहो प्रीति, यह तो सितारों की पूरी आकाश गंगा है, लेकिन चांद कहाँ है? चांद? हाँ चांद, जिसके साक्षी में हर सुहागन करवा चौथ का व्रत रखती है। तेरा चांद प्रीति, सूर्य कमल जी। माँ आप आइए ना, बैठिए ना, खड़े खड़े थक जाओगे आप। वैसे प्रीति, तेरे ससुराल में तो ये सब नहीं होता होगा। क्या करें, यही जीवन है। आ बैठ। प्रीति, जब तक लड़की का ब्याह नहीं होता, जीवन एक ऊँगते सपने की तरह होता है, जहाँ सब कुछ सुहाना होता है। लेकिन जैसे ही ब्याह हो जाता है, जीवन एक करवट ले लेता है और सब कुछ बदल जाता है। और फिर दीवारों पे फिल्मी पोस्टर की जगह खूंटियों ने कब ली पता ही नहीं चलता। कवारेपन का रंगीन चश्मा उतरते ही आंखों के सामने जो यथार्थ आता है उसे स्वीकार करने में कभी कभी समय लगता है, लेकिन उसे स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है। प्रीति समझ रही है ना? मैं जानती हूं प्रीति, जिन आंखों में सितारों के सपने हो, उन आंखों को बदरंगी दीवारों की खूंटियों को सहन करना कठिन होता है। लेकिन इस बात को तू जब सही अर्थ में समझेगी तो समझ जाएगी, क्योंकि ये खूंटियां मामूली नहीं होती। उन्हीं से लटकते हैं पति के कपड़े और पत्नी की आस, एक सपना, एक ख्वाहिश कि शाम को जब पति घर लौटेगा तो सबसे पहले उसी को आवाज देगा, उसी का नाम पुकारेगा। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूं? भैया आप आ गए, पर भाभी। प्रीति कहाँ है? सूर्य कमल? माँ वो नहीं आई। वो नहीं आई मतलब? आपकी दी हुई सीख तो संस्कार बनकर मेरी धमनियों में दौड़ती है। सरोज सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं बल्कि इस घर की बहू भी है। और फिर भाभी हमेशा तो कहती हैं कि हर रिश्ते में कई सारे रिश्तों के बीच छुपे हुए होते हैं। कवारेपन का रंगीन चश्मा उतरते ही आंखों के सामने जो यथार्थ आता है उसे स्वीकार करने में कभी कभी समय लगता है, लेकिन उसे स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है। प्रीति, हर कोई अगर इतनी सी बात याद रखे कि ब्याह का अर्थ केवल जीवन साथी के साथ रिश्ते बनाना ही नहीं,
बल्कि उसके परिवार को, उसकी परंपराओं को, उसकी आस्थाओं को खुले दिल से स्वीकार करना भी है। क्योंकि ये खूंटियां मामूली नहीं होती, उन्हीं से लटकते हैं पति के कपड़े और पत्नी की आस, एक सपना, एक ख्वाहिश। क्योंकि शाम को जब पति घर लौटेगा, सबसे पहले उसी को आवाज देगा, उसी का नाम पुकारेगा। आज के बाद मैं आपकी तरफ कभी भी नजरें उठा के नहीं देखूंगा। नजरें उठा के, ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। अरे बुलाने के बावजूद नहीं आई, उसके पीहर में अभी फोन लगाती हूँ। कह देती हूँ समधी जी से कि या तो अपनी सिर चढ़ी बेटी को अभी वापस यहाँ भेजो, या फिर हमेशा के लिए उसे वहीं रखो। छोरी के ये तेवर, ये सब इस घर में नहीं चलेगा, कह देती हूँ। अरे बुलाने के बावजूद नहीं आई, उसके पीहर में अभी फोन लगाती हूँ। कह देती हूँ समधी जी से कि या तो अपनी सिर चढ़ी बेटी को अभी वापस यहाँ भेजो, या फिर हमेशा के लिए उसे वहीं रखो। रितु, तू मुझे उसके पीहर का नंबर दे, आज शर्मा जी फैसला करके ही रहेंगे। जल्दी दे। हाँ अम्मा जी। 4625955। माँ क्या कर रहे हो? माँ फोन छोड़। सूर्य कमल फोन छोड़। माँ माँ प्लीज प्लीज माँ। हेलो हेलो इसे सांप क्यों सूंघ गया? किसका फोन है अभी? आप? जी वो विनय भैया घर पर नहीं है, तो मैं वहां अकेले कैसे आऊं? जी क्या कहा आपने? जी वो विनय भैया घर पर है नहीं ना, और माँ अकेले ससुराल आने नहीं देंगी, इसलिए मैं तो मैं आ जाता हूँ जी आपको लेने। मैं आ जाता हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ जी, अभी आ रहा हूँ जी। अब तू कहाँ चला? माँ प्रीति जी को लाने। वो आ रही है माँ। अब वैसे ही हो रहा है जैसा आप चाहते थे। प्रीति जी आ रही है। पड़ गया पूरा। नीरज चख के बताओ ना कैसा बना है प्लीज। रितु अभी अभी मूड नहीं है, प्लीज प्लीज मेरी खातिर एक चम्मच चखो। अच्छा अच्छा ठीक है, बस ठीक है। नहीं बाबा मतलब तुम एक काम करो, इसमें तुम इसमें थोड़ी और शक्कर मिलाओ।
और अच्छी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो ऐसे बोलो ना कि शक्कर मिलाओ, अभी जाते। रितु ले, तेरा शरबत नहीं बना अभी तक। बन गया अम्मा जी, ये कह रहे थे कि थोड़ा मीठा कम है, बस अभी मिला देती हूँ। शरबत छोड़, ये ले सोफे की कवर, तकिए की कवर और मेजपोश बदल दे। जी अम्मा जी। अरे मैंने तुझसे कहा था ना यहाँ कालीन बिछा देना, बिछाया नहीं अभी तक। अम्मा जी वो कालीन बहुत भारी थी, मुझसे उठी नहीं। कालीन भारी था या तेरी कलाइयां कमजोर है? अरे पीहर वालों ने कुछ खिलाई पिलाई की होती तभी ना शक्ति आती इस शरीर में। कालीन भारी था। वैसे आपने सही कहा अम्मा, वैसे भी आजकल की लड़की में कहां शक्ति वक्ति। नीरज ये फूल ले और फूलदान में सजा दे, पूरा घर खिल उठेगा। हाँ ये अच्छा कि अभी आप फूल लेके आ गए, वैसे माहौल तो प्रीति भाभी के आते ही खिल उठा होगा भैया, नहीं? चल। अरे प्रीति कितनी देर लगेगी सजनी को तैयार करने में? जाने कैसे तैयार कर रही होंगी, मेरा मतलब वो है कि बहुत अच्छे से तैयार कर रही होंगी, पर वो अलग बात है अम्मा जी कि तैयार करने में इतना वक्त थोड़ी ना लगता है। अम्मा जी आप आकर देखिए ना सजनी को, कितनी सुंदर लग रही है। अम्मा कैसी लग रही हूँ मैं? देखो ना प्रीति भाभी ने अपने गहने पहनाए हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता मेरी सजनी इतनी सुंदर लग सकती है, बिल्कुल राधा रानी स्वरूप निखरा है। प्रीति तू वाकई में गुणवान है, जीती रहे बहू। ला मुझे काजल दे, मरजानी इतनी प्यारी लग रही है कि कहीं मेरी ही नजर न लग जाए इसे। नहीं लगेगी अम्मा जी, प्रीति भाभी ने पहले ही नजर बटर लगा दी है, देखिए। अच्छा ठीक है ठीक है, अब लड़की वालों के सामने पटर पटर मत बोलियो, समझा रही इसे। नीरज रितु सूर्य कमल जल्दी आओ, देखो अपनी सजनी कितनी प्यारी लग रही है, अप्सरा लग रही है, बिल्कुल अप्सरा। रे सजनी ये तू है, तू तो पहचान में नहीं आ रही है। ये सब प्रीति भाभी का कमाल है। सच प्रीति भाभी आपने तो कमाल ही कर दिया, कितनी प्यारी लग रही है तू। पर आपको नहीं लगता ये जो बिंदी लगाई है ये इसके फेस के लिए थोड़ी सी बड़ी है? नहीं अम्मा जी, अगर थोड़ी छोटी बिंदी लगाएंगे ना तो ज्यादा अच्छी लगेगी। नहीं री चुप कर, ये बिंदी बिल्कुल ठीक है, कितनी फब रही है मेरी बिटिया के चेहरे पर, देख तो। लगता है लड़के वाले आ गए, चलिए देखते। चलो चल री। प्रीति जी मुझे समझ में नहीं आ रहा किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं। थैंक यू। प्रीति ले जा बेटा इन लोगों को, जाओ बेटा। चलिए अब हम अपने मुद्दे की बात करते हैं।
मेरे विचार में इन दोनों को अगर एक दूसरे से कोई पूछना ताछना हो तो अवसर देना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ भाई साहब क्यों नहीं। प्रीति ले जा बेटा इन लोगों को और अच्छे से नाश्ता पानी करा देना। जाओ बेटा। जाओ 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 बेटा। चलिए अब हम अपने मुद्दे की बात करते हैं। अरे भाभी आप कहाँ जा रही हैं? आप भी हमारे साथ बैठिए ना। हाँ हाँ बैठिए ना। अच्छा अखिल जी कुछ अपनी हॉबीज के बारे में बताइए ना। मेरी तो सिर्फ एक ही हॉबी है खाना। मेरी भी। सच्ची? आपको पता है हमारी सजनी खाना बनाने में एकदम माहिर। अरे वाह क्या क्या बना लेती हैं आप? पेड़े, रसगुल्ले, आलू की टिक्की, समोसे। छी वाह भला एक इंसान को और क्या चाहिए अपनी पत्नी में। हमारी सजनी जिस घर में भी जाएगी उसे महका दे पकवानों की खुशबू से। ये तो कमाल हो गया ना भाभी। हमारे विचार कितने मिलते हैं। लेकिन अभी तो सिर्फ स्वाद की बात चल रही थी। हमने एक दूसरे के विचार तो अब तक जाने ही नहीं। धन्यवाद। अब देखिए मैं तो दहेज का नाम लेना भी पाप समझता हूँ। अब आप भी बताइए जो लड़की वाले पहले से ही अपनी बेटी के बिछों से दुखी हैं, उनसे दहेज की मांग करना कहाँ की सभ्यता है। मैंने तो अपनी जिंदगी की सारी कमाई अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई और उसके पालन पोषण में खर्च कर दी है। मैंने तो अपनी आखिरी पाई भी अपने बेटे के लिए दुकान खरीदने में खर्च की है ताकि उसका और उसकी पत्नी का जीवन सुख से बीते। अच्छा अंकल जी आपने अखिल जी के लिए दुकान खरीदी है? बिल्कुल क्योंकि उसके 9 से 5 तक की नौकरी करना तो पसंद नहीं ना। वैसे भी क्या रखा है किसी की गुलामी करने में। वैसे अंकल जी आपकी दुकान किस चीज की है? अभी तक तो किसी चीज की नहीं है बेटा। अब क्या करूं बेटा मेरे तो पाई पाई अपने बेटे के लिए दुकान खरीदने में खर्च हो गई है। अब तो दुकान में माल भरने के लिए पैसे ही नहीं बचे। माल की चिंता तो आप सूर्य कमल जी पर छोड़ दीजिए। जीजा जी आपने अपनी होने वाली बहू की सुख सुविधा के लिए इतना कुछ किया तो क्या ये अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ नहीं करेंगे? वैसे जीजा जी आपने दुकान घर से बहुत दूर ली है। बेचारा अखिल रोज रोज इतनी दूर आना जाना उसकी हालत एकदम खराब हो गई है। वैसे भी आजकल बसों में सांस लेने तक की जगह तो मिलती नहीं इसलिए मैं सोच रहा था कि उसके लिए एक आध मोटरसाइकिल हो जाए तो। माफ कीजिएगा लेकिन अभी तक आपने हमारी बहन के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा सिवाय दहेज के। यहाँ और कोई बात हो ही नहीं रही।